तो देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए। जो पार्ट 3 है उसे आज हम लोग यहाँ पे लेकर आ गए। 2 और 1 हमने पहले ही ऑलरेडी बना दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो इसे देख सकते हैं। तो देखिए, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रियल नंबर। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रियल नंबर होते हैं, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओनली सिंबल कोसाइन, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कोसेक, कॉस साइन, कॉस सेक, कॉस साइन, टेन कॉट सेक कॉस सेक। ओके गाइस, देन साइन थीटा एन इज जनरली रिटन एज साइन एन थीटा बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब साइन थीटा होल के ऊपर एन लगा तो उसे हम लोग साइन एन थीटा लिख सकते हैं। ओके गाइस, देन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एंगल होते हैं वो ट्रायंगल के किसी भी साइड के लेंथ के साथ चेंज नहीं होती, ये हमेशा सेम रहती है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब 12th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन इट्स थर्ड साइड कैन बी। अगर दो साइड हम लोग को दी गई है पाइथागोरस थ्योरम में, तो तीस ट्रायंगल में तो हम लोग तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। अब जो रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, टेन कॉट साइन कॉस इसके बीच में, देख लीजिए टेन साइन अपॉन कॉस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है, तो इस वजह से आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ जी, ऐसे से आप रट लीजिए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया। टेन थीटा इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, सो गाइस आप कंसंट्रेट रहिए यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, एंड क्वाड थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा और कॉस अपॉन साइन। ओके गाइस, ओके। अब देखिए इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसे मैं आपको समझाऊंगा। इसे लर्न करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो गाइस तब तक के लिए आपको हम लोग के चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट को क्या करना है, सुपर नॉलेज पॉइंट को आपको सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो बाय गाइस।